नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अनुसंधान और विज्ञान की प्रमुख जो शाखाएं हैं उनसे संबंधित साइंस का प्रैक्टिस सेट टू करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग कवर जरूर कीजिएगा। ये साइंस का प्रीवियस पेपर एक तरह से साइंस का सेट टू है और सेट वन मैंने पहले ही आपको करा दिया है और ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी में ज़्यादा वेटेज है या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन यानी एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो द स्टडी लाइन ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो देखने के बाद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन जो भी मैं आपको टॉपिक देता हूँ उससे रिलेटेड कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिरुअनंतपुरम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुअनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो न्यूमिस्मेटिक, क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक, ये कहलाता है सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलुलर, क्या है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैदराबाद, ये दोनों जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये कहाँ पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद, ये जो है हैदराबाद में स्थित है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, ये जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिनियस, कार्ल लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं आपको सेट वाइज के रूप में कवर करा दे रहा हूँ। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग क्विज समझ के सॉल्व कीजिए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक में जो है कंफ्यूजन कर जाता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहाँ पर स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुणे, ये जो है पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है मलेरिया रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, यानी कि अंगूरों का जो उत्पादन है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटीकल्चर, अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। जो नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है यानी डॉक्टर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्या है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ये जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ये जो है नेत्र रोग का चिकित्सक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेटनरी क्या है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है इज्जत नगर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो किस विज्ञान में किया जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस का अध्ययन ये तो सभी को पता होगा, वायरोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ट्रांबे में स्थित है। कहाँ पर? ट्रांबे में। नेक्स्ट है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च ये गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है पैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो कीटों से जो संबंधित विज्ञान की शाखा है उन्हें हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। आगे नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये जो है जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले इन्होंने उपयोग किया था। आगे है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार लगा लीजिएगा। तो चिकित्सा जो शास्त्र है इनको हम लोग हिप्पोक्रेटस को कहते हैं, इसका जनक, ठीक है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई। चेन्नई में ही ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर स्थित है। फ्रेंड्स, अगर ये रिवीजन वीडियो, अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये कंटेंट तैयार किया जाता है, फिर वीडियो बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है सभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन से संबंधित कौन सा जो है यहाँ पे ऑप्शन होगा? तो मधुमक्खी से जो पालन से संबंधित है फ्रेंड्स वो एपीकल्चर है। क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी का पालन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सभी को पता होगा भूकंपों का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? क्या है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक तो किन्हें कहते हैं? ये लिनियस को हम लोग कहते हैं। किसको? लिनियस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहते हैं। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं हम लोग? तो इसका सीधा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का हम लोग जनक कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडमिल टेस्ट क्या है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुर्दा। ट्रेडमिल टेस्ट जो है गुर्दा चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है आपके सामने बाघ, मेढक, मनुष्य, गुलाब, इन सभी में से किससे संबंधित है होमोसेपियंस, ठीक है। आपका जो है आंसर का वेट में करूंगा कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए लाइव में नहीं। आगे है कि स्वप्नों का अध्ययन किसे कहा जाता है? स्वप्नों का अध्ययन किसे कहा जाता है? सॉरी, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑर्निरोलॉजी। ऑर्निरोलॉजी जो है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय वनस्पति जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी को पता होगा पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी इंपॉर्टेंट जो कि एक स्पेसिफिक जो है टॉपिक, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक टॉपिक से मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग जरूर डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि साइंस का कौन सा टॉपिक आपको क्वेश्चंस वाइज जो एमसीक्यूज के रूप में आपको चाहिए, या ऐसे करके आप जो है मुझे बताइएगा, मैं आपको टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाओ, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है कि लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी में हम लोग जो है अस्थियों यानी कि हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ। वनस्पति हो अथवा औषधि हो, तो केंद्रीय औषधि या केंद्रीय वनस्पति, तो ये दोनों जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
इसका तो आंसर आप लोग कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कटक, कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे उनको मैंने कवर करा दिया। ये सभी अनुसंधान संस्थान और विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सेट जो कि साइंस का सेट 2 है वो आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।